एक समय था जब रामेश्वरम के बाजार शंखों के अलग अलग तरह के सामानों से भरे रहते थे, लेकिन अब रामेश्वरम के बाजारों की तस्वीर बदल रही है। यहाँ के शंख बनाने वाले कारीगर ये काम छोड़ते जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रामेश्वरम के शंख अपनी कारीगरी के कारण देश भर में मशहूर हैं। इन शंखों के कारीगर रामेश्वरम में लाखों की तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इन कारीगरों के सदियों से चले आ रहे रोजगार पर अब संकट पैदा हो गया है। शंख बनाने वाले काफी हैं, पर शंख खरीदने वालों की संख्या कम होती जा रही है। रामेश्वरम में शंख बनाने वालों को शेल कलेक्ट करने का लाइसेंस लेना होता है। शंख से यहाँ कई तरह के सजावटी सामान, पूजा के सामान बनाए जाते हैं। तमिलनाडु का रामेश्वरम सबसे ज्यादा शेल व्यापार के लिए जाना जाता है। शंख बनाने की प्रक्रिया में काफी मेहनत लगती है, लेकिन इन्हें अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता। ये भी इनके व्यापार के घटने का एक कारण है, पर सबसे बड़ा कारण शंख की गिरती मांग है। इन शंखों का इस्तेमाल आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और कई तरह की सुगंध बनाने के काम में किया जाता है। रामेश्वरम के शंख 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की कीमत में उपलब्ध रहते हैं। शंखों के पैसे अक्सर उनकी डिजाइन, आकार, साइज, शेप और अच्छी पॉलिशिंग पर निर्भर रहते हैं। रामेश्वरम में करीब 100 से ज्यादा वैरायटी के शंख बनाए जाते हैं। सदियों से रामेश्वरम के बाजार शंखों की वैरायटी और अन्य तरह के आइटम से भरे रहते हैं, पर अब ये बाजार सूने लगने लगे हैं। लोग ये कारोबार छोड़ते जा रहे हैं या फिर धीरे धीरे अपना काम कम करते जा रहे हैं। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।